रूस चीन वॉर ड्रिल पर अमेरिका ने बहुत बड़ा बयान दिया है। वॉर ड्रिल पर अमेरिका ने साफ किया कि हमारी नजर है, ऐसा नहीं है कि ये जो वॉर ड्रिल चल रहा है ये हमसे अछूता है, हम नजर रखे हुए हैं युद्धाभ्यास को, हर लिहाज से अमेरिका मॉनिटर कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यह बयान, रूस एक बड़ा गठजोड़ अमेरिका के खिलाफ बनाते हुए उन दुश्मन देशों का जो अमेरिका को देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि रूस को घेरने की जो अमेरिका की रणनीति है ये उसके जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, इसीलिए ये युद्धाभ्यास हो रहा है और इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, और अमेरिका इस युद्धाभ्यास पर नजर बनाए हुए है क्योंकि वो जानता है कि ये गठजोड़ उसके लिए भविष्य में दिक्कत पैदा करेगा। वर्ल्ड पावर के तौर पर चाइना को भी देखा जाता है, बड़ी शक्तियों के रूप में रशिया को भी देखा जाता है और उसी के मद्देनजर ये वॉर ड्रिल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि इस युद्धाभ्यास के शुरू होने पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने क्या कुछ कहा है और अमेरिका कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, रूस चीन और ईरान की वॉर ड्रिल की मॉनिटरिंग कर रहा है अमेरिका, मतलब उसकी निगाह है इस वॉर ड्रिल पे, तीनों देशों के एक एक कदम पर हमारी नजर है, मतलब सिर्फ वो यूक्रेन पर ध्यान नहीं दे रहा है बल्कि उसके खिलाफ क्या गठजोड़ चल रहा है, क्या साजिश चल रही है, इस पर भी अमेरिका की निगाह है। ये निश्चित करेंगे कि हमारी सुरक्षा हितों पर कोई खतरा ना आए, साथ साथ वॉर ड्रिल से हमारे सहयोगियों को भी कोई दिक्कत ना हो, मतलब अमेरिका खुद के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी फिक्र कर रहा है। फिलहाल युद्धाभ्यास से अमेरिका पर कोई खतरा नहीं है। रूस और चीन ने पहले भी ऐसे युद्धाभ्यास किए हैं जिसका अमेरिका पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जॉन किर्बी जो कि प्रवक्ता है व्हाइट हाउस के, उनके द्वारा यह रिएक्शन दिया गया। संजय भारद्वाज जी, कैसे देखते हैं आप इस युद्धाभ्यास को, क्या इंपैक्ट डालने वाला है, क्या अमेरिका को डराने के लिए इस तरह का युद्धाभ्यास किया जा रहा है या वाकई में अमेरिका के लिए चिंता का सबब है इस तरह का युद्धाभ्यास, अमेरिका को ध्यान देना चाहिए और अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा गठजोड़ जो उसके लिए भविष्य में, फिलहाल तो ना सही लेकिन भविष्य में मुश्किलें पैदा कर सकता है? देखिए, दो तीन बातें, मुझे दो टाइम दीजिए। पहली बात की जो गल्फ रीजन का जो सिक्योरिटी था, पहले अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, अमेरिका और पाकिस्तान जॉइंटली इसको एक तरीके का सिक्योरिटी कवच देते थे। अब क्या हुआ है कि जब से क्वाड हुआ है और इंडो पैसिफिक की तरफ अमेरिका का ध्यान गया है तो वहाँ से अमेरिका ने विड्रॉ किया है, उस गैप को फिलअप कर रहा है आज के दिन चाइना, जिस तरीके से ईरान और सऊदीया का नेगोशिएशन में एक भूमिका निभा रहा है, और इसको जस्ट सिक्योरिटी जोन ना मान के इसने, इन देशों ने क्या कर दिया कि जैसे चीन ने इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ऑयल, इन सब से भी गल्फ रीजन को जोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो आज तक वर्ल्ड अभी तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की खाली बात कर रहा था, अब अमेरिका ने उसको चेंज करके सिक्योरिटी कोऑपरेशन का किस तरह का इंपैक्ट डालेगा? आपको क्या लग रहा है कि रूस भी एक गठजोड़, क्योंकि अमेरिका तो नेटो का गठजोड़ पश्चिमी देशों को यूनाइट कर रहा है, उसका जवाब है ये रशिया की तरफ से अमेरिका को? देखिए, अब अगर आप चाइनीज स्टेटमेंट्स पढ़ें, कुछ पिछले कुछ दिनों से शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका चाइना को घेर रहा है, फिर अमेरिका ने चाइना को वार्निंग दी थी कि आप जो है लीथल अगर कुछ सप्लाई करेंगे रशिया को तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, तो चीन एक मैसेजिंग उनको दे रहा है। ये जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस एक्सरसाइज का है वो चीन को है, वो उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि अगर आप हमारे को चारों तरफ से घेरने की कोशिश और बिल्कुल सर, ये जो ट्रायड है इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए सीधे आग दिखाता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका को, नेटो को।